गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल नर्सिंग वाला ट्यूटोरियल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्रत रखने के 5 सबसे बड़े फायदे। फास्टिंग यानी व्रत रखना, यह लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। व्रत रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, व्रत रखने के 5 सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। पहला फ़ायदा ये होता है कि यह ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है और हमें डायबिटीज नहीं होने देता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि ये हमारी एजिंग को कंट्रोल करके रखता है, इससे हमारी एजिंग जो है वो हमें जल्दी दिखाई नहीं देती है। तीसरा इसका फ़ायदा होता है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों से हमको प्रिवेंट करता है। इसमें हमारी जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होती हैं वीकर सेल्स, उनको रिप्लेस कर देता है और जो स्ट्रोंगर सेल्स होती हैं वो वहाँ पर सर्वाइव करती हैं। इसका चौथा फायदा होता है कि ये हमारी बॉडी में मोटापा नहीं आने देता है। मोटापा इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम फास्टिंग रहते हैं तो उस टाइम पर हम खाना कम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मोटापा नहीं आता है। पांचवा हमारा इसका फ़ायदा होता है कि ये हमारी हार्ट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे भी हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो जल्दी से फॉर्म नहीं हो पाता है। फास्टिंग रखना लिमिट तक ही हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम फास्टिंग लिमिट से ज़्यादा रखेंगे तो हमारी ये बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।